गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसके अंदर डिस्कशन करेंगे वो लेवल्स जिसके ऊपर हमने कल ट्रेड करने के लिए बताया था और आज उन्होंने किस तरीके से काम किया, प्लस फ्राइडे के दिन आप किस तरीके से बना सकते हैं पार्टी। जी हाँ, पार्टी इसलिए क्योंकि अभी पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एग्जिस निफ्टी शोइंग 219 पॉइंट्स अप। यूएस का सीपीआई डेटा आ चुका है, इन्फ्लेशन डेटा विच वॉज 8% बिफोर एंड इट इज 7.02 right now. एग्जैक्ट नंबर बट इन्फ्लेशन डेटा बहुत अच्छा है और उसकी वजह से यूएस मार्केट अभी खुली नहीं है और फ्यूचर्स 800 पॉइंट्स अप है। अभी यूएस मार्केट जैसे ही खुलती है, अभी टाइम अगर देखें तो यहाँ पर 751 हुआ है, तो लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं सो गया था, उठाऊँ तो अभी डाउ जोन्स चालू नहीं हुआ है। आई एम नॉट टू श्योर क्यों, बट फ्यूचर बहुत सॉलिड तरीके से फटे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रही है हमारी निफ्टी भी। और निफ्टी का सेलिब्रेट करना बनता है क्योंकि उसके सारे टारगेट हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में वो भी देख लेंगे। हमने आपको लेवल दिए थे गाइस, जो मैंने आपको लेवल दिए थे वो देखिए बिल्कुल खूबसूरत तरीके से काम किए। ये लेवल टूटने के बाद आपका पहला ये टारगेट, लास्ट का जो टारगेट बचा था, एक ही टारगेट था, यहाँ तक आया। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हाउ डू यू गेट इट, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा इसके नीचे ज़रूर गई, लेकिन अगर मैं क्योंकि 5 मिनट के उसके ऊपर बनाया था, मार्केट इसके ऊपर नीचे ज़रूर आई, लेकिन मैंने इसके नीचे के टारगेट दिया ही नहीं थे आपको और जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि मार्केट को मैं इसके नीचे नहीं देख रहा था। मार्केट फिर भी यहाँ पर नीचे की तरफ आई है और यहाँ पर इसने ये पैटर्न बनाया है जिन लोगों ने ये भी ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा पैसा बनाया लोगों का। उसके बाद में मार्केट ने ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया और उसका ब्रेकआउट दिया, वो बनना था। आप सबको मैंने एक चीज़ बताई थी जो कि मैं आपको सुना देता हूँ। कल की जो एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर मैंने बात किया था, एक बार सुन लेते हैं उसको क्या कहता है। बार मार्केट 18,000 से लेकर 18,050 के लेवल तक आएगी इन नेक्स्ट 3 to 4 days मैक्सिमम। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेके बैठूँ, ले भी सकते हो आराम से। मार्केट इस लेवल को टच करने आएगी 18 से 18,050, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर आएगी लेकिन ये लाइन टच हो जाएगी। क्यों बैंक निफ्टी क्यों रैली नहीं दे पा रहा है ब्रेकआउट देने के बाद भी, क्योंकि टेक्निकल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और निफ्टी का टेक्निकल टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मार्केट इसको टच करने जरूर आएगी। अब काफी लोग आपको बोल रहे हैं, मैंने बोला कि मार्केट इसको टच करने जरूर आएगी और बहुत श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रहा था कि आएगी 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 आएगी। और क्यों आएगी गाइस, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी टच कर लिया था, निफ्टी वॉज पेंडिंग। ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं चौदहवीं 15 कैंडल हो चुकी थी, 16th कैंडल ने इसको टच कर दिया। तो मैक्सिमम मैंने क्या बोला था, अगर होती है तो 17 कैंडल मैक्सिमम होती है। आई वॉज इन द पुट पोजिशन ऑलरेडी। आज इसने जैसे इसको टच किया, टेलीग्राम के ऊपर आप नहीं जुड़े हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज डाल दिया था ऑलरेडी कि मैं अपनी मंथली पोजिशन को बुक कर रहा हूँ क्योंकि 10 EMA का टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। और बैंक निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा पा रही थी, बैंक निफ्टी ऊपर क्यों नहीं जा रही पा थी, क्योंकि मार्केट का टेक्निकल टारगेट पूरा नहीं हुआ था निफ्टी का और उसको टच करना था, इसने टच कर दिया है। HDFC बैंक फटने वाला है गाइस, HDFC बैंक फटने वाला है। ठीक है, और बहुत अच्छे रिटर्न आपको देके जाएगा। मैं वैसे भी BTST बहुत कम देता हूँ, लेकिन जब देता हूँ तो बहुत सॉलिड तरीके से देता हूँ। आज अपने VIP ग्रुप के अंदर मैंने BTST भी दिया था, कल का रिजल्ट उनको देखने को मिल जाएगा। 2 स्टॉक्स दिए थे, HDFC बैंक मैंने नहीं दिया था, लेकिन 2 अलग से स्टॉक दिए थे, वो भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस था कल मार्केट के अंदर देखने का। मैं खुद लेके गया हूँ और VIP मेंबर्स को, VIP कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो अपस्टॉक का अकाउंट, ठीक है, LS ब्लू का अकाउंट, एंजल का अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट में से कोई भी लिंक बेसिकली खोल सकते हो और चाहो तो VIP फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ 15 से 16 ऑर्डर FNO के बेसिकली पर वीक लगाने हैं,
इन केस यू डोंट वांट टू ओपन एन अकाउंट, अब एक मंथली मेंबरशिप है उसको भी पे करके बाय कर सकते हो और वीआईपी मेंबर बन सकते हो। इसके अंदर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं और मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ, इट्स नॉट फॉर कॉल्स बट जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैं ले रहा हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आई एम बाइंग यू कैन बेसिकली सर्टेनली गो अहेड एंड बिकम आवर वीआईपी मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टारगेट पूरा हो गया गाइस। अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस मारने चाहिए ऊपर की तरफ और दोबारा ऊपर की तरफ की रैली करनी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था और बैंक निफ्टी ने दोबारा से 10 ईएमए पर एग्जैक्टली पिन पॉइंट सपोर्ट आज भी लिया है और जो कैंडल बनी है एक हैमर कैंडल बनी है और इस कैंडल के हाई के ऊपर टूटने के बाद विच इज 4654 मार्केट का अगला टारगेट होगा 41782 और ऑल टाइम हाई 41900। अब मार्केट के बाद जो टारगेट ओपन हुए हैं पेंडिंग मैंने आपको बता रखे हैं 42285 का जो टारगेट है वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट यहां पर आपको 224 के आसपास दिखा रही है तो कल बी रेडी फॉर अप्रोक्सीमेटली 600 to 600 to 600 पॉइंट 500 to 600 पॉइंट ऊपर खुल सकता है बैंक निफ्टी। अगर आपकी क्लोजिंग दिखा रहे हैं 600 की तो यहां से मान के चलो मार्केट आपको 42,000 से लेकर 42,085 के आसपास खुलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर ये जो रैली हुई है ये सस्टेन रहती है, ऐसे ही ऊपर की तरफ बनी रहती है तो मार्केट में ये नंबर आपको आराम से दिखाई दे सकते हैं गाइस। तो क्या होगा, सारा का सारा जूस तो गैप अप में निकल जाएगा, ठीक है, और हाई चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, हाई चांस है मार्केट जो है वो साइडवेज हो रहा है। चाहो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो लेकिन यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड जरूर बनती है क्योंकि मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया है दोबारा से ऊपर आ गई है, ये इसने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट हो चुका है और ये वापस निकलता है। तो डेफिनेटली अगर ये वाला लेवल टूटता है, याद रखना 42,000 क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपको कोई क्लोजिंग आती हुई दिखाई देती है तो आप एक पोजिशनल कॉल साइड ट्रेड पर सवार हो सकते हो बैंक निफ्टी के लिए। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे भाई 43,900। तो मतलब वो जो टारगेट हमने प्री डिसाइड कर रखे हैं, ऑलरेडी दिखा रखे हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है, 43,500 के टारगेट आपको देखते दिखाई देंगे। और ये रिटेस्ट हो चुका है, बाकायदा रिटेस्ट हो चुका है, ये आपका हेड शोल्डर रिटेस्ट, ठीक है। तो 43,500 तक आराम से जा सकती है, इसके ऊपर एक कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी आपको और आप एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ बैठ सकते हैं। जो पुट साइड पे बैठे हैं भाई बहुत गलत बैठे हैं, निकलने के लिए बोल दिया था आई गेस। आई होप आप सबको मदद हुई होगी जिन लोगों ने पुट की पोजिशन बुक कर ली है और उनका लॉस नहीं हुआ होगा। निफ्टी का अगर हम लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है गाइस, 17,960 Only sell position is below this particular number 17,960। ये बहुत important support level है, सबसे important जो support level है, support level पे कभी भी sell नहीं किया जाता है, support पे हमेशा buy और resistance पे sell किया जाता है। अगर market ये level तोड़ती है तो हम sell के बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम sell के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं sell के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। टेक्निकली अभी मार्केट bullish ही है। चलो देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लेवल बनते हैं, कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। सेव योर टाइम गाइस, आई मेड द फिबोनाची लेवल्स सेल्फ जो कल के लिए आपके लिए काम आने वाले हैं। क्या लेवल्स है, प्राइस लेवल मार्केट में अगर 141520 का लेवल टूटता है सेल की पोजीशन, 41406 पहला टारगेट, 41199 दूसरा टारगेट और 41066 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। नीचे ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो 41727 के ऊपर आपको बाय करना है 41874 और इसके ऊपर बाय करना है 42215। नाउ लुकिंग एट द नंबर्स, यहाँ पर 236 पॉइंट अप है, तो अगर मार्केट यहाँ पर 42,000 के ऊपर खुलता है तो क्या करना है भाई, इतना बड़ा गैप अप हो रहा है तो उसके ऊपर के नंबर भी दे देता हूँ उनको, नहीं ये लेवल किसी काम के रह नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है ऊपर की तरफ तो लेवल भी ले लो,
अगर मार्केट 42,015 और इसके बीच में कहीं पे खुलता है तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना बाय करने की, वेट करना, मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने देना, देखना कितना रिट्रेस करती है। अगर 42,000 के ऊपर सपोर्ट लगे, ऊपर निकलती है तो ठीक है, ये तोड़ के नहीं चाहती है तो 41,874 आपका टारगेट होगा, 41,777 हो सकता है गैप भरा जाए। लेकिन अगर मार्केट तोड़ के 42,222 के लेवल को तोड़ती है तो एक और रैली आएगी, याद रखना एक और रैली आएगी जो सीधा 42,500 के लेवल को लेके जाएगी। ठीक है, ये लेवल है, हालांकि ये ऊपर बहुत ऊपर है लेवल, इतना ऊपर मुझे रैली लगता नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट एक बार यहाँ पर खुलने के बाद डिसाइड करेगा। 42,222 का लेवल होगा, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरीके से, अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो ऊपर निकलेगी मार्केट, अदरवाइज मार्केट फिर से नीचे आके गैप भरने की कोशिश करेगी। तो मार्केट में आपको सीधा बाय की ट्रेन में नहीं बैठ जाना है खुलते के साथ में, आपको प्राइस एक्शन देखना है और फॉलो करना है कि मार्केट क्या बिहेवियर कर रही है, क्या ये 42,222 के लेवल को तोड़ रही है, अगर हाँ तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हम सेल की पोजीशन बनाने की सोचेंगे और एक गैप भरेगा उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडी, लेकिन ट्रेंडी क्या ही होगा, मार्केट निकल ही जाएगा हाथ से तो 200-250 पॉइंट तो क्या ही ट्रेंडी रह जाएगा, कल का फ्राइडे ऐसे निकल गया, मतलब जिन्होंने पोजीशन बना रखी है मंथ एंड की पुट कॉल पोजीशन मेरी तरह वो ठीक है, उनको प्रॉफिट हो गया, लेकिन मेरे जो भाई जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है वो लद गए, वो मिस आउट कर गए इस अपॉर्चुनिटी को। मैंने आपको बोला था कि मैं कॉल साइड पे बैठ जाऊंगा जैसे ही 10 AM को टच करता है, क्लोजिंग 10 AM के ऊपर ही आ रही थी, तो मैंने एक पोजीशन बनाई है 18,000 का कॉल नवंबर एक्सपायरी का, बट एनीवेज 238 पॉइंट अगर ये ऊपर खुलता है, विच मींस इस नंबर से 238 पॉइंट्स इन सारे लेवल्स के ऊपर खुलेगा, अरे डालोगे मतलब कुछ करना पड़ेगा इसका। ठीक है एक मिनट रुक जाओ, बेबी डम डम के लेवल भी देखने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। कर तो रहा है, करते हैं, कर रहा है तो कर देते हैं, क्यों डम 11 लाइनों को सिर्फ लाइनें मत समझना गाइस, ये फिबोनाची के वो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट डांस करेगा करेगा करेगा, मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है बहुत खूबसूरत तरीके से काम करेगा। ऑल यू नीड टू नो इज द वे टू ट्रेड दिस पर्टिकुलर लेवल। नाउ अब याद रखना 234 पॉइंट दिखा रहे, अगर मार्केट 234 के आसपास दिखा रहा है तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होगा, इसके और इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, सेम सिनेरियो, यहाँ पर आपको बाय के लिए रश नहीं करना है, मार्केट को आने देना है। अगर ये लेवल के ऊपर बाउंस करके निकलता है 18,319 के, यहाँ पर बुलिश कैंडल मिलती है, बाय करो, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, बीच में यही खुलता है, रनअवे गैप देके इस गैप को बिना भरे निकल के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, 319 का लेवल टूटता है, 412 आपका पहला टारगेट होगा, 18,538 दूसरा टारगेट होगा, ये मार्केट में ऊपर की तरफ के आपके लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मुझे सिनारी जो लग रहा है कि ना मार्केट ना खुलने के बाद या तो गैप भरने की कोशिश करेगा या साइडवेज हो जाएगा, इतना बड़ा गैप अप होने के बाद ना मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इसके अच्छे चांसेस है। तो और फ्राइडे भी है तो ऑप्शन सेलिंग वुड बी अ नाइस आइडिया टू डू, कल प्रीमियम भी बहुत अच्छे होंगे आपके, आप स्ट्रैडल बना सकते हो बैंक निफ्टी या निफ्टी जैसे भी आपको ट्रेड करना है विद अप्रॉक्सीमेटली 25% to 30% के स्टॉप लॉस के साथ में, आप दोनों लेग को सेल कर सकते हो, कॉल को भी पुट को भी सेल कर सकते हो 25% से 30% के साथ, और प्रीमियम देखेगा आनंद उठा सकते हो। मैं कल सेलिंग करने वाला हूँ, आई विल नॉट बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी बाइंग ट्रिक, ओनली एंड ओनली बाइंग जो मैं देखने वाला हूँ वो देखने वाला हूँ चिराग हैक की मदद से, जिसने आज भी बहुत चार ट्रेड दिए सुपर से भी ऊपर, एक तो लाइव दिया था मैंने आपको VIP मेंबर्स के साथ में, बहुत अच्छा पैसा बना था, तो
चिराग हैक मस्त चलता है यार, अगर नहीं सीखा तो एप्लीकेशन में मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग की तरह उनकी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कल मैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, जो पोजिशनल ट्रेड है वही करूंगा। ये लेवल आपको ट्रेडिंग की तरह उनकी लर्निंग चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट कर दूंगा, वहां से ले सकते हो, ठीक है गाइस। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी उन सब लोगों ने जिन्होंने 20 तारीख की वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लोग इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, सारे स्ट्रेटजीज को सीख के फ्रॉम स्क्रैच सीखना चाहते हैं, व्हाट इज शेयर मार्केट टू हैवी टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, उन सबको जूम का लिंक ऑलरेडी मिल चुका होगा। इफ नॉट टेलीग्राम पर मैसेज करके अपना जूम का लिंक ले लीजिएगा। 20 तारीख को मैक जो है वो शुरू होने वाला है। Only and only 10 days remaining. In fact, 9 days left for the workshop. और आप join कर सकते हो workshop को, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, market से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.